जब मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो के अंदर ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एक्साइटमेंट डाल दूंगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रमज़ान में क्या होने वाला है। रोज़े रख रख के पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, हर वक्त नींद आती रहती है और अभी मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इस वीडियो को कैसे Hey brown lad, we heard that you are out of energy, so here are some wings to boost your productivity. Love, Red Bull. I'm gonna go out and try my wings. Hey guys, my name is Asnan Tariq and welcome back to the channel. Today, I'm extremely nervous and the reason is that I will be sharing my channel for the first time with my family, my friends and my relatives. अब पहले तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी तब मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा एक चैनल भी है वगैरह वगैरह, और उसका मेन रीज़न था एम्बेरसमेंट का डर। अगर मैंने वीडियो अपलोड की और वो ना चली, या फिर अगर मैंने वीडियो अपलोड की और उसके ऊपर कमेंट्स में मेरी बेइज्जती होगी, अगर मेरा इन जनरल कंटेंट ही अच्छा ना हुआ तो दोस्तों में मजाक बन जाएगा, एक बार फिर ज़िंदगी में नाकाम हो जाऊँगा। एंड ऑल दोज फियर्स, ऑल दोज एक्सक्यूजेज वर द रीज़न वाई माई यूट्यूब चैनल वॉज डिलेड फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। और फिर जब फाइनली मैंने ये चैनल शुरू कर ही लिया तब भी मेरे में वो करेज नहीं आया कि मैं अपने दोस्तों को बता सकूँ या मैं अपने घर वालों को बता सकूँ कि भाई ये मेरा चैनल है और ये मैं काम करता हूँ। लेकिन अब तो भाई का लेवल हो गया, स्पॉन्सर आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, बस पैसे नहीं आ रहे। वो भी आ ही जाएंगे। एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, इसका यकीन करना है तो कर लेना, बट आई नेवर डिड दिस फॉर लाइक्स और व्यूज और मनी। क्योंकि व्यूज़ लेना बहुत आसान है यार, 1500 लगा के आपकी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। या इन जनरल अगर आप कोई वैसी फजूल वीडियो बना दो, कोई पबजी मोबाइल पे वीडियो बना दो, किसी लड़की को अपनी वीडियो में डाल दो, या वैसी किसी की बेइज्जती करते हुए गालियाँ देते हुए वल्गर वीडियो बना दो, तो 2 मिनट में व्यूज़ आ जाते हैं। व्यूज़ लेना मुश्किल बात नहीं है, एप्रिसिएशन लेना और रिकग्निशन लेना ये मेन मकसद होता है। Q&A शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो मुझे करनी थी। उनमें से नंबर 1 अनाउंसमेंट है दैट आई विल बी स्टार्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दिस चैनल। और वो लाइव स्ट्रीमिंग कब होगी, उसका स्केड्यूल क्या होगा, वो सारी डिटेल्स भी मेरे इंस्टा पे दे दूंगा, तो बस वहाँ फॉलो कर लो यार। द लास्ट अनाउंसमेंट इज दैट प्लीज डोंट आस्क मी फॉर रेट्स एंड स्टफ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अगर आपको प्राइस के बारे में कोई भी क्वेरी होती है तो गेम्स एंड गीक्स को कॉन्टैक्ट कर लो, या अगर आपको वैसी किसी शॉप का पता है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। तो मेरे से आप प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ ले सकते हो कि ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सी लें, या फिर क्या ये ग्राफिक कार्ड बेहतर है या नहीं है, लेकिन प्राइस का मुझे नहीं पता होता, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। और अब Q&A करने के लिए ज़रा व्लॉगिंग एंगल की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ मिलते हैं अब आपसे। So now we're at the vlogging angle. अगर मैंने कभी भी कोई vlog बनाना हुआ तो उसके लिए मैं ये direction use करूँगा। कुछ ज़्यादा fancy नहीं है, एक तरफ मेरे कमरे का दरवाज़ा है और वो एक मेसी की अर्जेंटीना की किट है, और उसको लगाने का मेन मकसद यही था कि मैं अपने आप को ये रिमाइंड करा सकूँ कि दुनिया का सक्सेसफुल तरीन प्लेयर भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अचीव नहीं कर सका। तो मैं तो एक बड़े छोटा सा इंसान हूँ, अगर मेरा व्लॉग परफेक्ट नहीं है, अगर मेरी वीडियो परफेक्ट नहीं है, अगर मेरी वीडियोस इन जनरल चल नहीं रही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी और बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अचीव कर ही लूँगा। तो अगर ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं चल रहा तो टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ बन जाएगा। और बाकी दूसरा रीज़न ये है कि मैं मेस्सी फ़ैन बॉय हूँ। अब मुझे पता है कुछ फुटबॉल फैंस आके मेरी बेइज्जती करेंगे, तो इसलिए मैंने ये शुरू में नहीं था बताया। लेकिन जो भी है, बैठे बैठे बात काफ़ी डीप कर दी है मैंने, तो YouTube पे ना चला तो फिलोसोफर बन सकता आपका भाई। Anyways, let's start the Q&A. तो सबसे पहला सवाल किया है मेरे से राहीज ने, एंड ही सेज हाउ डू यू गेट ऑल द मोटिवेशन फॉर मेकिंग वीडियोज। तो यार इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब मैं अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहता था तो कुछ यूट्यूबर्स थे जिनको मैं बड़ा शौक से देखता था। अब उसमें फॉरेन चैनल्स तो बहुत हैं, NCIX, TechSource, Linus, MKBHD, जोई डेलगाडो और इस तरह के बहुत से इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि यार इस तरह की वीडियोस
एक दिन तो बनानी है। और बाकी अगर बात करें अपने लोकल यूट्यूबर्स की, तो मैं इरफान जुनेजो और मूरू के व्लॉग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। मेरी कोशिश थी कि मैं इन सारे यूट्यूबर्स जैसी वीडियो क्वालिटी लेकर आ सकूं, इनके जैसी वीडियोस बना सकूं, इनके जैसी प्रोडक्शन वैल्यू अपने कॉन्टेंट के अंदर लेकर आ सकूं। अब एक इंसान जो इन लोगों से हैवीली इंस्पायर्ड है, जो इन लोगों को आइडलाइज करता है, आज उसका नाम एक ही सेंटेंस में इन लोगों के साथ लिया जा रहा है। दैट इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। मैंने पहले भी कहा था कि व्यूज लेना और सब्सक्राइबर्स लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट होती है अपने काम के लिए रिकॉग्निशन लेना। पीपल हैव बीन कॉलिंग मी पाकिस्तान का MKBHD और लाइनस, और एक भाई ने तो हद ही क्रॉस कर दी। तो मोहम्मद अवैस करनी भाई से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और पाकिस्तानी पीपल हैव द टैलेंट बट दे डोंट शो इट। Even Linus don't have such quality content, but he still got millions of subs. तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अवैस भाई, ये थोड़ी ज़्यादा कर दिया आपने। I am nowhere near any of these YouTubers. जब मुझे उन लोगों के साथ शामिल किया जाता है जिनको मैं खुद idolize करता था, तो उससे बड़ी मोटिवेशन और कोई नहीं है, और उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ की नहीं होती। राफे सेज फोर्टनाइट। यार फोर्टनाइट के लिए भी काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन कहा है कि आप फोर्टनाइट क्यों नहीं खेलते, हमें फोर्टनाइट खेल के दिखाओ, उसकी स्ट्रीमिंग करो वगैरह वगैरह। मुझे पर्सनली कभी फोर्टनाइट पसंद ही नहीं आई। और दूसरा, इस गेम के लिए स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, और मेरे पास स्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो फोर्टनाइट कोशिश कर सकता हूँ मैं खेलने की, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा नूब होऊंगा। शायद एक बच्चा मेरे से बेहतर खेल रहे, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती फोर्टनाइट खेलनी। खिजर हुसैन सेज, ओ भाई आई एम अ बिग फैन, वाना मीट अप समडे, प्ले सम गेम्स। सर आपका जब दिल करता है आप आ जाएं, लेकिन इस दफा फीफा सीख के आना, नहीं तो एवी मेरे ही घर आके मेरे से ही मार खा के चले जाते हो, तो फायदा। आए शहरियार सेज, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो यार इंस्पिरेशन का जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया है। बाकी ये कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स में और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा शौक था। फिर एक पॉइंट के ऊपर आके मुझे VFX का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। तो फिर मैं फिल्म राइट और फिल्म लर्निंग और इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जो मैं काफ़ी शौक से बैठ कर देखता था। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो सारा जो मैंने स्किल सीखा था वो ज़ाया नहीं हुआ, और एटलीस्ट जिंदगी में एक दफ़ा सही पर उसको मैंने यूटिलाइज तो किया। योर स्टडी बैकग्राउंड। यार ऑन पेपर तो मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन पिछले 3 सेमेस्टर से ना मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को मुंह लगाया ना उन्होंने मुझे मुंह लगाया, तो एक बड़ा ही सख्ती सा रिलेशनशिप चल रहा है। ना वो मेरे से पूछते हैं कि भाई आना है या नहीं, ना मैं उनको बताता हूँ कि यार आना है या नहीं। अब इस सेमेस्टर से मैंने फाइनली फैसला किया था कि सब कुछ वापस शुरू कर दूंगा, लेकिन पूरी दुनिया बंद करा दी है, तो अगली दफ़ा तो अब सोचते हुए भी डर ही लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी वापस कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हाशिर अदनान सेज मेंढक या गधा, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। यार जितना मैंने बाहर से खाना खाया ना, मुझे इस बात की गारंटी है, शक नहीं है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि सब कुछ खा चुका हूँ मैं। हर किस्म का गंद हमने खा लिया, और शायद मेरी इस खूबसूरत सेहत का राज भी वही है। विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट ई स्पोर्ट्स गेम? यार मुझे पर्सनली रेनबो सिक्स सीज काफ़ी पसंद है। यू प्ले रेनबो सिक्स सीज राइट? स्ट्रीम द गेम, आई विल श्योरली वॉच यू प्ले। यार इंशाल्लाह स्ट्रीम का सीन भी शुरू करना है, कुछ चीज़ें मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, और जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाती हैं तो स्ट्रीम भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। उमर इज अजीम सेज, आई विल सी दिस सब स्पेशल अगेन ऑन योर 100K स्पेशल। उमर भाई थैंक्स अ लॉट। मुझे नहीं पता कि 100K तक हमने जाना भी है या नहीं, लेकिन आप 1000 स्पेशल का हिस्सा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यार इंटरनेशनल यूट्यूबर्स तो बहुत हैं, पाकिस्तान के अंदर मुझे मूरू, इरफान जुनेजो, यू खानो और बाकी वो शावीर जाफरी और जैद अली, इनके व्लॉग्स में छोटे बहन भाई बड़ा शौक से देखते हैं। इनफैक्ट मुझे ताने दे रहे होते हैं कि हसनैन भाई आपकी वीडियो के ऊपर तो 1 घंटे में सिर्फ 500 व्यूज़ आए हैं, वो देखो शावीर जाफरी ने वीडियो लगाई है 10 मिनट में उसके 5000 व्यूज़ हो गए हैं। मैं यहाँ बैठा खुश हो रहा होता हूँ कि भाई लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और वो वहां से आके व्यूज पे ऐसी बेइज्जती करते हैं मेरी कि पूरा मूड खराब हो जाता है। व्हाट आर योर टारगेट स्पेसिफिकली अबाउट दिस चैनल? विल यू बी मेकिंग ओनली टेक वीडियोस और विल यू स्टार्ट गेमिंग एज वेल? तो यार जैसा मेरे नाम में है ब्राउन लैड गेमिंग, मुझे कंटेंट गेमिंग का ही बनाना था, बट समवेयर अलोंग द वे द होल कोर्स ऑफ दिस चैनल चेंज्ड। अभी फिलहाल तो मैं रिव्यू वीडियोस को काफी एंजॉय कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2-3 वीडियोस ऑलरेडी क्यू में लगी हुई हैं। अभी मुझे एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर वीडियो बनानी है, फिर एक हेडसेट पे वीडियो बनानी है, उसके बाद एक माउस है जो मुझे आ रहा है,
उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, अपने लाइट सेटअप पे वीडियो बनानी है, और इस सब के साथ साथ मुझे लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है। तो गेमिंग कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन वो डिले ही होता जा रहा है। तो अभी कोशिश मेरी यही है कि एक टेक वीडियो के बाद एक गेमिंग वीडियो अपलोड करूँ, फिर एक टेक वीडियो और फिर एक गेमिंग वीडियो। के वान लाही से तुन्नी डूंगी अपनी, तो यार इतना सा पेट है मेरा, उसके अंदर कितनी को गहरी होगी, मतलब खुद ही अंदाजा लगा लो। How many hours do you spend working on all this? If you mean my channel, तो इसको शुरू करते करते roughly 4 से 5 साल लग गए हैं मुझे, या शायद इससे भी ज्यादा। और अगर आपका मतलब है वीडियोस के ऊपर, तो I guess हर वीडियो के ऊपर roughly 4 से 5 दिन लग जाते हैं। यार ड्रीम पीसी बिल्ड में तो फिर सब कुछ आ जाता है, मतलब everything। मुझे लेटेस्ट CPU चाहिए, लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, अच्छी खासी रैम चाहिए, SSD भी लगी हों बीच में। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे मोटराइज्ड डेस्क चाहिए। अभी इस टेबल पे बैठ बैठ के ना हालत ख़राब हो जाती है, स्पेशली जब आपने इतनी देर तक टेबल पे बैठे ही रहना है, कमर थक जाती है। DX रेसर वाली चेयर्स हों, HyperX Fury के हेडसेट हों, 144 हर्ट्ज़ का कर्व्ड LED 2K डिस्प्ले हो, उसके साथ 1080p की दो एडिशनल स्क्रीन्स हों, ऑडियो टेक्निका का माइक हो, सोनी के DSLR हो, ड्रोन्स भी हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे नैनो लीफ नहीं होते RGB वाले, वो पूरी दीवार भाई ने ऐसे भरी हो और फिर मोबाइल से उसके भाई रंग चेंज करे, बत्तियां ही बत्तियां और मजे नेक्स्ट लेवल। किन कामों में लगा दिए भाई, कितना पैसा छाप लेते हो यार, पैसा बहुत है, मतलब इतना पैसा है कि डैम फंड में डोनेट किया था और फिर आज तक पूछा भी नहीं है कि उसका हुआ क्या। कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट। समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे। मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट इन पब्लिक। यार वैसे तो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं, मेरी पूरी जिंदगी भरी हुई है ऑकवर्ड मोमेंट्स के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा मैं शॉपिंग मॉल में गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं चीज़ें उठा के अपने कार्ट में रख रहा था, तो एक आंटी मेरे पास आई और मुझे आके कहती हैं कि बेटा ये सनसिल्क का शैम्पू किधर पड़ा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद आंटी वापस आई, मुझे आके कहती हैं बेटा ये 1 किलो मैदा किधर पड़ा होगा। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ये सीन हो रहा है, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट सेट हो चुका था। तो फिर मैंने आंटी को मैदा भी ढूंढ के दिया और फिर ऑयल भी उनको चाहिए था वो भी ढूंढ के दिया, और फिर जैसे ही आंटी थोड़ा सा इधर उधर हुई, मैंने फौरन से अपनी शॉपिंग खत्म की और दस्ती बार भागा मैं वहां से। और एक दफा तो हद ही हो गई, मैं आयल में हेल्पर लड़की के साथ खड़ा हूँ, वो मुझे शेल्फ में से चीजें निकाल के दे रही है, उसने यूनिफॉर्म पहना है, उसने टैग लगाया हुआ है, और एक अंकल आते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अंकल आ रहे हैं और उन्होंने लड़की को नोट नहीं किया, लड़की को टोटली इग्नोर डिसरिगार्ड, और मेरे से आगे पूछते हैं कि यार बच्चे ये कोल्ड ड्रिंक्स किधर पड़ी होंगी, मतलब वो लड़की भी हंसना शुरू हो गई यार। और इतनी तकलीफ होती है ना जब एक लड़की आप पे हंसना शुरू कर दे, आप वही हो ना जो मोहल्ले में घरों की बेल बजाकर भाग जाया करते थे। हाँ यार मैं वही हूँ जो मोहल्ले में घरों की बेल बजा के भाग जाया करता था। इनफैक्ट मेरे और मेरे दोस्त ने तो नया लेवल अचीव किया हुआ था, हम लोगों ने स्मोक बॉम्ब बनाने सीखे थे यूट्यूब से, तो वो पिंग पोंग बॉल और एल्यूमिनियम फॉयल के स्मोक बॉम्ब्स बनते थे, हम लोग स्मोक बॉम्ब बनाकर घर के बाहर रख कर उसको जलाकर बेल बजाकर अंकल आपके घर में आग लग गई है दौड़ लगा रहे थे। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट बट इट वॉज फनी। चैनल का नाम कैसे सोचा था? यार ब्राउन मैं खुद हूँ, लैड पता नहीं कहाँ से आया है, और फिर गेमिंग का कॉन्टेंट बनाता हूँ तो ब्राउन लैड गेमिंग। कभी पबजी मोबाइल खेली है PC पे? हाँ मैंने पबजी मोबाइल PC पे खेली है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन बस एक दफ़ा ऐसे ही ट्राई कर लिया था कि होता क्या है। लेकिन जब मैंने अपना नया PC बनाया था तो मैंने कसम खाई थी और सच्चे दिल से तौबा कर ली थी कि ऐसा मजाक आज के बाद नहीं करना, तो उसके बाद से मैंने कभी भी पबजी मोबाइल नहीं खेली। आप वीडियोस अच्छी बना लेते हो, एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लो। यूट्यूब क्या होता है मुझे तो नहीं पता। हसन अलोन से चिकना सूखा लड़का। हसन अलोन इज एक्चुअली वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फॉलोअर्स, तो ठीक है यार आप कह सकते हो। ऑसम कॉन्टेंट ब्रो, लव योर वीडियोज, नेवर गिव अप एंड डोंट लिसन टू द हेटर्स, नेम नॉट इम्पॉर्टेंट भाई, थैंक यू सो मच। मतलब उसका नाम वाकई नेम नॉट इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दिस इन द वीडियो। हुसैन सेज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी PC गेमर्स। यार ये एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और इसके ऊपर डिबेट बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। मैंने सोचा था कि इस बारे में एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जब मेरी कोई थोड़ी ऑडियंस बन जाएगी। अभी तो ये कि वीडियो बना के उल्टा ये ना हो कि मुझे ही हेट मिलना शुरू हो जाए, मेरी बेइज्जती होना शुरू हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपकमिंग वीक्स के अंदर ही। शॉर्ट आंसर दूँ तो यार मेरे ओपिनियन में पाकिस्तानी गेमिंग बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है,
और ये नीचे की तरफ जाती रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस आई लाइक योर वीडियो क्वालिटी एंड कॉन्टेंट इन इट। थैंक यू सादुल्ला 00। थैंक यू। व्लॉग रिकॉर्ड करते करते बीच में ही आँख लग गई थी, अभी उठाऊँ और वापस वीडियो शुरू कर दी। डेडिकेशन देख रहे हो लड़के की। और वो पीछे येलो बैकग्राउंड बदल के उसको भी वाइट कर दिए क्योंकि मैं भी एडिट कर रहा था और मुझे येलो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी चीज़, ये वीडियो शायद अब आपको ज़्यादा क्लियर लग रही हो क्योंकि माशाल्लाह से मैंने फोकस ही सही नहीं किया हुआ था। कैमरा की स्क्रीन बहुत छोटी है तो उससे पता नहीं चलता। आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन एन एक्सटर्नल मॉनिटर फॉर माई DSLR। और वैसे तो वो महंगा आता है लेकिन जब कभी लेवल बना तो वो भी ले लेंगे, तब तक के लिए इसी से ही काम चला लेते हैं। अरसलान मुबारक से शाउट आउट दे, मैं तेरा पहला सब्सक्राइबर था। कहाँ का पहला सब्सक्राइबर? ये मेरे टॉप 10 सब्सक्राइबर्स हैं। बचपन का दोस्त है तू और फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स में नहीं है। क्या आपको लगता था कि आपकी वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स इतनी जल्दी आएगा? यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी वीडियोस के ऊपर इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगी और इतने ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी, मेरी वीडियो की क्वालिटी पसंद आएगी। बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड अ YouTube चैनल। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं YouTube पे आया, मैंने वीडियो अपलोड की और बस वीडियो अपलोड करते साथ ही स्पॉन्सर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे इससे पहले बहुत से चैनल रह चुके हैं, आपको उनके बारे में पता नहीं है, वो एक अलहदा स्टोरी है और उसके ऊपर भी कभी व्लॉग बनाएंगे। लेकिन मैंने अपने हर फेल्ड चैनल से कुछ ना कुछ सीखा है, कोई ना कोई स्किल सीखा है और फिर उन सारों को कंबाइन करके मैंने ये चैनल शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है कि बस ये चल पड़ा है। कभी दरवाजे में उंगली आई है? यार दरवाजे में उंगली तो नहीं, पर पेंट की जिप में बहुत दफा आई हुई है और इतनी दफा आई है कि एक पॉइंट पे जाके तो मैंने उसको गेम ही बना ली थी। बस पांच गिनने से पहले निकाल लूंगा। एक दो, यस, रिकॉर्ड ब्रोकन, इट इज आल्सो ब्रोकन एहसन भाई। सो एनीवेज गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो आई एम रियली सॉरी। अभी बहुत से और क्वेश्चंस हैं और कमेंट्स हैं जिनको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि उनका आंसर कहीं ना कहीं किसी और के क्वेश्चन में पूरा हो जाता था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मैंने इस वीडियो में शाउट आउट नहीं दिया। यू गाइज नो हु यू आर और आपकी अप्रिसिएशन और आपकी सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर 1000 सब। एक और अनाउंसमेंट, और ये सरप्राइज अनाउंसमेंट है जो मैं करने लगा हूँ। मुझे अभी अभी मेरे स्पॉन्सर का मैसेज आया कि वो सुबह मुझे वो सारी आइटम्स शिप कर रहे हैं जो उन्होंने मुझे देनी थी। सो देयर इज गोइंग टू बी अ गिव अवे ऑन द चैनल, इट इज लाइक 99% कंफर्म नाउ। जो बंदा मेरी पूरी वीडियोस को देख रहा है मैं उसी को ही गिव अवे देना पसंद करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई बोरिंग लॉन्ग वीडियोज। मेरे से खुद भी ये वीडियो सारी नहीं देखी जाती, मैं अभी एडिट कर रहा था और 10 मिनट की मैंने वीडियो देखी है और उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। तो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों को मेरा कंटेंट देखना पसंद है, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और अभी तो बस 1000 हुए हैं, इससे आगे भी जाना है, कोशिश तो यही है, उम्मीद भी यही है। एंड मे बी इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट सब स्पेशल व्हिच विल बी ऑन 10,000 सब्स। थोड़ा बड़ा एम रख लिया लेकिन आई होप कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट देखना पसंद है, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया भी हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू कॉन्टेंट। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अप अंटिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।